आप एक गैर आदिवासी वकील के पास जाएंगे, वो तो सही सलामत आपको देगा ही नहीं, आपको आपका सी एन टी एक्ट का धारा आपको अप्लाई ही नहीं करेगा। और यही दुर्भाग्य आपका रांची में, आप पूरे रांची आप लूट चुके हैं। कि पहले अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़ते थे, अभी हम लोग को अपने ही सरकार के खिलाफ या अभी अपने ही जो मतलब मैंने काला आदमी जो हम लोग के जैसा दिखता है उन लोग के साथ हम लोग को लड़ना होगा। यही हम लोग फर्क बस यही हाँ, राजधानी तब भी क्रांति थी और अब भी क्रांति करनी पड़ रही है। ऐसे तो संघर्ष तो हमेशा होना चाहिए। अरे सीधा गानो जीत कर, जीत कर, जीत कर, चांद भरो जीत कर, जीत कर, जीत कर। वो कौन सा कलम थी जिसने 1855 की इतने बड़ी संग्राम को, इतने बड़ी हुल को और इतने हजारों हजार हमारे समाज की लोगों का बलिदान को कलम का जगह नहीं दिया? वो कौन सा मजबूरी था हमारे शिक्षाविदों के बीच में या हमारे महापुरुषों के बीच में, जिसने भी इस बात को पिरोने की थोड़ा सा भी कोशिश क्यों नहीं किया? आज कहीं ना कहीं वो पुराना पन्ना कहीं ना कहीं पलट के आज हमारे पक्ष में आता है, हमारे समक्ष आता है, तो अपने आप दिल को कहीं ना कहीं खंगालती है कि वो वक्त क्या था कि आज जितना हम हुल हुल का आवाज दे रहे हैं, वो वक्त इतना आवाज उससे कहीं ज्यादा था। चूंकि संथाल परगना हम जानते हैं कितना नदियां बही थी, क्या खून का, लेकिन वो कलम की जगह क्यों नहीं लिया? आज हम जितने भी बोल रहे हैं 1857 को स्वतंत्रता संग्राम का रूप हमने पूरा विश्व भर में दिया, लेकिन पहली लड़ाई कहीं ना कहीं उससे पहले हमारे समाज के लोगों ने दिया, वो क्यों उस कलम को जगह नहीं मिला, उस पन्ना में उसको जगह क्यों नहीं मिला? एक सौ अड़सठ बच्छर तेहन हुल दिवस मना और तेहन सीधा कानू अब उदायरकिन लड़ाई लेना और तेहन दह जोगावदा जिस द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन यूथ। तेहन अगर आज हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारे जाति अगर है तो फ्यूचर यूथ पर है। अभी की जो नई पीढ़ी है इंटरनेट से इस तरह से जुड़ी है कि संविधान को बार बार पढ़ रही है और आंदोलन हर क्षेत्र में हो रहा है। ये आंदोलन हो रहा है इसका मतलब है कि लोग जागरूक हैं, इसीलिए वे आंदोलन कर रहे हैं। अगर आंदोलन नहीं करते तो ये पता चलता कि नहीं, जो संथाल जो है जिसका अधिकार है सी एन टी एक्ट, एक्सपीटी एक्ट जो मिला है उसके प्रति सजग नहीं है। एकजुटता भी आदिवासी समाज में, पांच प्रमंडल में हम लोग अभी तक एक जगह हम लोग आए नहीं है और सबसे बड़ी कमजोरी यही है। अगर संथाल परगना में हो रहे तो दक्षिणी का नहीं कुछ बोलेंगे, उत्तरी में हो रहा है तो कोल्हान का कुछ नहीं बोलेंगे, कोल्हान में हो रहा है तो पलामू, ये सब पूरा अपना देखेगा, मुंडा अपना देखेगा, संथाल अपना देखेगा। जो मणिपुर का हालत है ना, बस वही हालत यहाँ भी। अगर संथाल में हो रहा है तो इधर के नहीं बोलेंगे, अगर उत्तरी में हो रहा है तो कोल्हान के नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर सब पांचों प्रमंडल अगर आदिवासी हम लोग एक रूप में आ जाएंगे तो यहाँ हम लोग की जमीन सुरक्षित रहेगी, नहीं तो। आज हुल दिवस है, हुल यानी क्रांति या कहले संथाल विद्रोह। आज ही के दिन आदिवासियों के संघर्ष और आदिवासी समाज के जो 20,000 लोगों ने अपनी बलिदानी दी थी उनको याद किया जाता है। शब्दों से ही स्पष्ट होता है कि आदिवासियों के संघर्ष और उनके बलिदान की जो उन्होंने आज़ादी के वक्त दी थी और उस समय जो ऐसे जननायक थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे, उनको फांसी दे दी गई थी। और आज आदिवासी समाज या पूरा झारखंड, झारखंड के बाहर भी कई लोग आज के दिन को हुल दिवस के रूप में मनाते हैं, उनकी शहीदी को याद करते हैं। जो जननायक हैं उनकी शहीदी के साथ साथ जो अन्य 20,000 लोगों की मौत हुई थी उनको भी याद किया जाता है। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के सिद्धू कानू पार्क में हैं। हर साल 30 जून को यानी कि हुल दिवस पर कई सारे संगठन के लोग यहाँ पे आते हैं, माल्यार्पण करते हैं, उन बलिदानों को याद किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर साल दर साल ये समय आता है, लोग आते हैं, माल्यार्पण करते हैं, लेकिन क्या आदिवासी समाज 1855 से लेकर 2023 तक सिर्फ आंदोलन करने के लिए क्या इस संसार में आए हैं, या सिर्फ उनके जो अधिकार हैं उन्हें कब तक मिलेगा? कल भी आंदोलन के लिए लड़े थे, आज भी आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं, आखिर कब तक? इन सवालों के साथ आइए कुछ संगठनों से बात करते हैं। दादा सबसे पहले हुल जोहार। हुल जोहार सभी को, पूरे झारखंडियों को। दादा ये बताइए कि जैसे हुल
क्रांति का प्रतीक है या कह ले संथाल विद्रोह का प्रतीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी समाज उस क्रांति को भी भूलते जा रहा है। क्या लगता है फिर से सिद्धू कानू की ज़रूरत पड़ने वाली है? मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है मैडम। अच्छा, जिस लहू से SPT एक्ट को लिखा गया है उस कानून को हम अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा। उस कानून को पूछिए इन नेताओं से सभी से कि धारा 20 क्या है, धारा 5 क्या है, धारा 14 क्या है, धारा 13 क्या है और धारा 53 क्या है, जहाँ SPT का धड़कन है उस धड़कन को पता ही नहीं है। बिल्कुल। जब आपको धड़कन नहीं पता रहेगा तो इलाज कैसे कीजिएगा? इसलिए हम लूटे जा रहे हैं पूरे संथाल परगना में। इस कानून को सरकार को चाहिए इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए, तब हर बच्चे, हर युवा, हर युवती के दिमाग में रहेगा कि मेरा धारा क्या है, धारा 20 क्या है, मेरा 5 क्या है, मेरा 13 क्या है, मेरा 53 क्या है। बिल्कुल। हमारे जन नायकों के साथ साथ 20,000 लोग जो मारे गए थे उस विद्रोह में, क्या लगता है उनकी आत्मा की शांति के लिए या उनके विद्रोह को सार्थक बनाने के लिए अभी हम क्या तत्काल में कर सकते हैं? बस एक ही चीज़ है मैडम कि बुद्धिजीवी को, पढ़े लिखे आदमी को CNT और SPT एक्ट जो बिरसा उलगलान के बाद जिसमें 271 धाराएं हैं, आप बताइए किसी को भी पूछ लिए 271 में एक भी धारा बता दे। सही बात। आपके पास धारा नहीं है तो आपके पास एक्ट नहीं है तो फैक्ट कहाँ से आपके पास रहेगा? आप कहाँ से बचाएंगे जल जंगल जमीन को? आपको 46 पता नहीं रहेगा, 48 पता नहीं रहेगा, 49 पता नहीं रहेगा, 71 का क नहीं पता रहेगा, ख नहीं पता रहेगा, कहाँ से आप बताएंगे जमीन को मैडम? आप एक गैर आदिवासी वकील के पास जाएंगे वो तो सही सलामत आपको देगा ही नहीं, आपको आपका CNT का धारा आपको अप्लाई ही नहीं करेगा। और यही दुर्भाग्य आपका रांची में, आप पूरे रांची आप लूट चुके हैं, यही है। क्योंकि 46 का कुछ भी नहीं पता है किन्हीं को, 46 का कुछ भी नहीं पता है। आपका 49 के 48 के तहत भुइयारी जमीन आती है, भुइयारी जमीन का सर्वे जानते हैं कब हुआ है? 1969 में रिकॉर्ड हुआ है। और उस जमीन का किस तरह धजिया उड़ रहा है आपका रांची में? कहाँ हॉस्पिटल, कहाँ पल्स, कहाँ क्या खड़ा हो गया? सही बात। क्यों? क्योंकि हम उस 1969 का कानून को हम जानते ही नहीं है, ना पढ़ने का कोशिश किए, ना मेरा बुद्धिजीवी पढ़ने का कोशिश किया। आप नेता को तो खैर वो पढ़े नहीं पढ़े, हम लोगों ने कोशिश नहीं की है। तो हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे कि संथाल समाज जिस तरह से जाना जाता है लेकिन उससे ज़्यादा अभी उसमें प्रॉब्लम्स आ गए हैं, लड़ाइयाँ आ गई है, क्या कहेंगे मैडम? एक तरफ संथाल समाज को बहुत परिपक्व समझा जाता है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारों की बात कोई नहीं करता, अभी भी उनके अधिकार छीनते ही जा रहे, फिर किस बात की परिपक्वता? देखिए सब जगह एक ही जैसे नहीं रहता, नेगेटिव पॉजिटिव तो हर क्षेत्र में आपको मिलेगा ही। तो ऐसा बात नहीं है कि लोग जो हैं अपने अधिकारों को भूलते जा रहे हैं। अभी की जो नई पीढ़ी है इंटरनेट से इस तरह से जुड़ी है कि संविधान को बार बार पढ़ रही है और आंदोलन हर क्षेत्र में हो रहा है। ये आंदोलन हो रहा है इसका मतलब है कि लोग जागरूक है, इसीलिए भी आंदोलन कर रहे हैं। अगर आंदोलन नहीं करते तो ये पता चलता कि नहीं, जो संथाल जो है जिसका अधिकार है CNT Act XPT Act जो मिला है उसके प्रति सजग नहीं है। लेकिन यहाँ तो आपका हर क्षेत्र में उलगलान हो रहा है अभी भी, यानी कि लोग जागरूक है। तो इसी तरह इसे हम पूरी तरह झुटला नहीं सकते हैं कि लोग जो है अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। लेकिन अभी हम संथाल परगना की बात करें तो अभी भी वह क्षेत्र बहुत गरीबी से जूझ रहा है। देखिए इंसान क्या है, समाज की जो रीढ़ की हड्डी है वो इकोनॉमिक है, आर्थिक स्थिति। और उस क्षेत्र में देखें तो वहाँ की जो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हर तरह के जो सरकार की तरफ से जो नई योजनाएं होनी चाहिए वो शायद पूरी तरह से आम लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, जिस वजह से लोग जो है आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे पिछड़ रहे हैं। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और जो निचले स्तर के लोग हैं उनको जागरूक करना चाहिए, चाहे वो आपका सरकारी या गैर सरकारी जो भी संस्थाएं हैं उनको आगे आना चाहिए। क्योंकि देखिए अब इस तरह से खाई बनते जा रही है, सबसे बड़ी बात है आर्थिक खाई जो बन रही है वो है कि आप नीचे दबके के लोग हैं, बहुत कम मतलब ऐसे भी लोग हैं जो कि मेहनत किए तो खाएं और मेहनत नहीं किए तो नहीं खाएं। और कहीं कहीं ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ की लोग जो है करोड़ों की संपत्ति पे अपना अधिकार जमाए हुए हैं। तो ये जो भिन्नता आ रही है, जो खाई भर मैंने आ गई है, इसको पूरे करने की जरूरत है। तो सरकार को चाहिए कि तरह तरह की नई योजनाएं खासकर उस क्षेत्र में सर्वे करके नई योजनाएं चलाई जाए। इस संथाल विद्रोह के बाद ही
CNT SPT कानून आया था, क्या लगता है दादा कानून से संथाल समाज को जो SPT कानून बना है उससे संथाल समाज को फ़ायदा हुआ है? अभी तक तो देखा जाए तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक ही फायदा हो कि आज तक हम लोग का जमीन संथाल पर में बचा हुआ है, लेकिन अभी का जो अभी मौजूदा हालत है उसमें यानी बहुत दिक्कत है, यानी यहाँ विशेषकर यानी उत्तरी छोटनागपुर और दक्षिणी छोटनागपुर में संथाल पर नाम बोलेंगे तो वहाँ अभी जमीन की खरीद फरोख्त इतना अभी हो नहीं हो रही है। तो कैसे इसको ठीक किया जाएगा दादा? कानून बन गया है, कानून बनने के बाद भी अभी सारे वो पॉजिटिव चीज़ें समाज में नहीं दिख पाई है, कैसे होगा? इसके लिए समाज को भी जागरूकता आनी होगी, और समाज जब तक हम लोग समाज आगे नहीं आएंगे, और हम लोग फर्स्ट बात एकजुटता भी आदिवासी समाज में 5 प्रमंडल में हम लोग अभी तक एक जगह हम लोग आए नहीं हैं, और सबसे बड़ी कमजोरी यही है। अगर संथाल परगना में हो रहे तो दक्षिणी का नहीं कुछ बोलेंगे, उत्तरी में हो रहा है तो कोल्हान का कुछ नहीं बोलेंगे, कोल्हान में हो रहा है तो प्लामू, ये सब पूरा अपना देखेगा, मुंडा अपना देखेगा, संथाल अपना देखेगा। जो मणिपुर का हालत है ना, बस वही हालत यहाँ भी, अगर संथाल में हो रहा है तो इधर के नहीं बोलेंगे, अगर उत्तरी में हो रहा है तो कोल्हान के नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है, अगर सब 5 प्रमंडल अगर आदिवासी हम लोग एकजुट में आ जाएंगे तो यहाँ हम लोग की जमीन सुरक्षित रहेगी, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल दादा, आज के दिन हूल दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे संथाल परगना के साथ साथ पूरे झारखंड के आदिवासियों को क्या संदेश देंगे? अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर भारत में अगर किसी ने अंग्रेज के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ, महाजन के खिलाफ या साहूकारों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाया है तो संथाल आदिवासी जो सीधा कानू चांद बायरो भूलो जानो, और संथाल के जितना भी और भी बहुत सारे आदिवासी भी उसमें शामिल थे, और जो आदिवासी नहीं भी थे वो लोग भी शामिल थे, और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ा, ये उस समय की समस्या था। लेकिन अभी का समय को अगर देखा जाए तो वो शोषण दूसरा रूप ले लिया है, और अभी हर जगह में अगर देखिएगा तो पूरा आदिवासी संताल या गैर आदिवासी भी हूल दिवस मनाते हैं। इसका मतलब ही है कि शोषण के खिलाफ केवल आदिवासी ही नहीं, केवल संताल ही नहीं, पूरे समाज एकजुट होते जा रहा है और होंगे, और एक दिन इस तरह हूल जरूर होगा शोषण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। अभी अंतर यही होगा कि पहले अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़ते थे, अभी हम लोग को अपने ही सरकार के खिलाफ या अभी अपने ही जो मतलब मैंने काला आदमी जो हम लोग के जैसा दिखता है उन लोग के साथ हम लोग को लड़ना होगा, यही हम लोग फर्क बस यही हाँ राजधानी तब भी क्रांति थी और अब भी क्रांति करनी पड़ रही है। ऐसे तो संघर्ष तो हमेशा होना चाहिए, मैंने हर चीज़ का मूल्यांकन होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि मतलब एक बार हम लोग किसी चीज़ में अगर हम लोग जीत गए तो जीत गए, हमेशा इसका मूल्यांकन होना चाहिए, और मूल्यांकन करके ही कुछ अगर उसमें त्रुटि आता है तो हम लोग उसको त्रुटि कर दें, क्योंकि हम लोग खेतीबाड़ी करने वाले आदमी है, जो हमारे पूर्वज भी थे वो लोग भी खेतीबाड़ी करते थे, जल जंगल जमीन को काट करके पूरा जमीन बनाया, खेती का युग कर दिया, उसी तरह हम लोग को भी अभी जो भी समस्या है यहाँ समाज में या मतलब सरकार के साथ उस सारा चीज़ हम लोग समाधान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दादा। एक मुझे ज़्यादा ही जब पढ़ते हैं कहीं मिलता है तो एक बात ज़्यादा ही अपने आप को परेशान कर रही है, वो कौन सा कलम थी जिसने 1855 की इतने बड़ी संग्राम को, इतने बड़े हुल को, और इतने हजारों हजार हमारे समाज की लोगों का बलिदान को कलम का जगह नहीं दिया? सही बात है। वो कौन सा मजबूरी था हमारे शिक्षाविदों के बीच में या हमारे महापुरुषों के बीच में, जिसने भी इस बात को पिरोने की थोड़ा सा भी कोशिश क्यों नहीं किया? आज कहीं ना कहीं वो पुराना पन्ना कहीं ना कहीं पलट के आज हमारे पक्ष में आता है, हमारे समक्ष आता है, तो अपने आप दिल को कहीं ना कहीं खंगालती है कि वो वक्त क्या था कि आज जितना हम हुल हुल का आवाज़ दे रहे हैं वो वक्त इतना आवाज़ उससे कहीं ज़्यादा था। चूँकि संथाल परगना हम जानते हैं कितना नदियाँ बही थी, क्या खून का, लेकिन वो कलम की जगह क्यों नहीं लिया?
आज हम जितने भी बोल रहे हैं 1857 को स्वतंत्रता संग्राम का रूप हमने पूरा विश्व भर में दिया, लेकिन पहली लड़ाई कहीं ना कहीं उससे पहले हमारे समाज के लोगों ने दिया, वो क्यों उस कलम को जगह नहीं मिला, उस पन्ना में उसको जगह क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं इसके पीछे षड्यंत्र था, हुल हुआ महाजनों के विरोध में, शोषण के विरोध में, लेकिन कहीं ना कहीं उस पन्ना को उजागर नहीं किया कि वक्त के आते आते कहीं ना कहीं हमारा समाज उस चीज को जान पाएगी, इसलिए उसको जगह शायद नहीं मिला। हम चाहते हैं हमारे समाज सरकार से, कोई भी सरकार रहे, कि पाठ्यक्रम में 1855 की इतने बड़ी बलिदान को जगह दे, हमारे छोटे से छोटे बच्चे को इसकी जानकारी हो, क्योंकि CNT SPT एक्ट क्या है कोई मतलब नहीं है, बड़ों को मतलब नहीं। वो बोलते हैं एक चीज है, हम लोग तो बेरोजगार के नौजवान है जो बहते पानी में बह रहे हैं, है ना, लेकिन जो नौकरी कर रहा है, नौकरी पैसा आदमी लोग के पास वक्त नहीं है भैया, और हम तो हमारे साथ तो पूरा वक्त बेरोजगार है, हमारे पास पैसे नहीं है कि उस एक कदम को या एक पन्ना को वहां तक हम ले जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे शिक्षाविद, हमारे सरकार को इस पे कदम उठानी चाहिए, बिल्कुल जो भी सरकार हो। हम हेमंत सरकार की नहीं, रघुवर सरकार की, यानी गठबंधन की सरकार को, ना BJP की सरकार को हमने बोला, क्योंकि राज एक प्रकार से देखा जाए सबने स्वाद चखा, जो भी सरकार आए वो बस सच्चाई दिखाने का काम करे, बिल्कुल हम लोग ये चाहते हैं, है ना। धन्यवाद। हुल दिवस यानी क्रांति का दिवस है दादा, क्या कहना चाहेंगे संथाली को भी, उरांव मुंडा जितने भी आदिवासी समाज है, आज के दिन में क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन हम इस आज का दिन सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया कर्मी को, तीन अट्टी मौज दिन के ना बटाई गया बुन 168 बच्छर तीन हुल दिवस मना हुई कना, और तीन सीधे कनु अबुरन उन सीधा एरकिन लड़ाई लेना अर्थी उनबुन दोहो जुगाव दा अड़ी मरांग जिनिस कना। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन यूथ, तिहिन अगर आज हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारे जाति अगर है तो फ्यूचर यूथ पर है। अभी हम लोग को सोचना होगा, समझना होगा, एकजुटता रहना होगा, चाहे हो उरांव मुंडा कोई भी जाति हो, हम लोग को एक मंच पर आके हक की लड़ाई लड़ना होगा। उस समय बिरसा मुंडा, सिदो कानो, तिलका मांझी सब लोग एक साथ एकजुट होकर लड़े थे, और आज हम लोग को एक स्टेज पे आके लड़ना होगा तो भाई अब लहा दड़िया और बका निका तो अब तो निका के बोत है ना। मैंने क्या सीधो कन, उस समय उन लोग के पास डिग्री नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन लोग के पास दिमाग था। आज महात्मा गांधी को देखिए, उनका डिग्री है तभी होता, ये लोग तो उस समय कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इतना तक अंग्रेज के साथ लड़ाई किया, जीत कर हम लोग को जो भी अपना SPT एक्ट दिलाया, कानून दिलाया। इसलिए हम चाहेंगे कि यूथ आगे आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए, ताकि हम लोग इस हक की लड़ाई में लड़ते रहना है। जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग को आगे बढ़ना है अपना जाति धर्म और समाज के लिए। ये सब कहकर मैं अंत करता हूँ। जिस वजह से आज के दिन को याद किया जाता है क्रांति के नाम से या कह ले विद्रोह के नाम से, लेकिन वो क्रांति वह विद्रोह जो 1855 में कहीं ना कहीं शुरू हुई थी, आज भी वह जल रही है उसी तरह। बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहले हम अंग्रेजों से लड़ते थे, आज हमें उसी तरह से दूसरे लोगों से लड़ना पड़ रहा है, पर सवाल यह है कि आदिवासी समाज कब तक लड़ेगा? क्या सदी बीत गए हैं? क्या आदिवासी समाज कभी चैन की सांस भी ले पाएगा, या फिर हर साल आएगा यहाँ पे माल्यार्पण करेगा, क्रांति की बात करेगा, उसके बाद फिर दूसरे दिन उसे रोड पे उतरना होगा एक नए आंदोलन के साथ, एक नए क्रांति के साथ। फिलहाल लड़ना आदिवासियों के खून में है, लेकिन सवाल यह भी है कि कब तक, कब तक। फिलहाल हम हैं यहाँ पर, बाकी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 के साथ बने रहे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।